सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइज, एंड यू वॉचिंग दीप क्रिएशन, एंड आई एम दीपांशु दीप। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो बेस्ड होती है कि लाइटिंग के ऊपर। तो लाइटिंग के ऊपर कुछ मैंने इसमें लाइट्स इंस्टॉल की थी, जो वीडियोज़ तो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, बट उस टाइम मेरी वीडियो करप्ट हो गई। और करप्ट हो गई क्योंकि उसका जो माइक था, वो माइक की जो वायर लगी होती वो निकली रह गई, जिसकी वजह से वो कभी उसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, तो वो वेस्ट हो चुकी थी उस टाइम। उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, उसके बाद लॉकडाउन हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई और हम बाहर घर से निकल ही नहीं पाए। तो अब मैं बाहर आया हूँ और इसकी वीडियो बनाने के लिए, और आपको रिस्पॉन्स भी बता दूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और क्या क्या चीज़ मैंने किस तरीके से इंस्टॉल की, और कुछ प्रॉब्लम भी थी उस टाइम जो रिजॉल्व हो चुकी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी क्या प्रॉब्लम आई थी। तो इसी करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, और कमेंट करना तो भूल नहीं है, क्योंकि कमेंट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी आप कमेंट में ही बता सकते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो ना। तो इसी क्या करते हैं वीडियो को हम स्टार्ट। सो गाइस, वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि मैं किस लाइटिंग की बात कर रहा था, और जो लाइटिंग की मैं बात कर रहा था मतलब काफ़ी ज़्यादा वैसे सेटअप मैंने इसमें किया था लाइट्स का, जैसे कि मैंने सबसे पहले तो इसमें चेंज किए थे ये पायलट लाइट्स, जो कि आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर के बल्ब भी चेंज है, आपको दिख रहे होंगे LED बल्ब चेंज हो चुके हैं, और लुक तो कुछ ज़्यादा ही इनहेंस हो चुकी है गाड़ी की। फिर उसके बाद मैंने इसमें इंस्टॉल किया ये होते हैं DRL टाइप होते हैं हमारे लाइट्स, ये जलती है और अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बार एंड लाइट भी कहते हैं इसको, DRL भी कह सकते हो आप, तो जैसे जिसको ठीक लगे वो उसको वैसे ही बोल देता है इन सब चीज़ों को। तो अब यहाँ पर एक स्विच है, अगर आप देख सकते हो ये स्विच यहाँ पर किस चीज़ के लिए है, तो अगर इस स्विच को देखें तो ये स्विच 2-in-1 है, तो अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो भी एक लाइट ऑन होगी, और इसको हम नीचे करते हैं तो भी एक लाइट ऑन होगी। तो क्या चीज़ ऑन होती है इससे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको अगर स्ट्राइप्स दिख रही हो तो ये स्ट्राइप्स टाइप की लाइट्स हैं, और ये कार के DRL में यूज़ होती है, और इंडिकेटर मैट्रिक्स स्टाइल में आते हैं ये, तो मैट्रिक्स वाले लाइट होती है। और मैं आपको अब दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ से ये स्विच अगर मैं ऊपर की साइड ऑन करता हूँ तो सबसे पहले इसमें आते हैं इंडिकेटर्स मैट्रिक्स स्टाइल में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये बोथ साइड है, तो मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ कैसी लग रही है मेरी स्कूटी की लुक। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये मैट्रिक्स में जलती है। तो सेकंड लाइट क्या चलती है अब वो भी देख लेते हैं हम। सो सेकंड लाइट के लिए अब इस स्विच को अगर मैं सेंटर में कर देता हूँ तो लाइट हो चुकी है बंद, जैसे कि आप देख सकते हो, और अगर यही स्विच मैं नीचे की तरफ ऑन करता हूँ तो इसमें लाइट्स ऑन हुई हैं, अगर मैं आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार बंद कर देता हूँ, सॉरी ये बंद हो गई, ये मैट्रिक्स स्टाइल में लाइट हो गई ऑन, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है नाइट में जब चलती है। इसका नाइट मोड में मैं आपको दिखा दूंगा नाइट में रोड पे चलते हुए किस तरीके की लुक इसकी निकल के आई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसको लगवाए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट मैंने इसको लगवाया था जनवरी के आसपास, और जनवरी से अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने यहाँ पर एक स्विच लगाया था, जो इसमें प्रॉब्लम हुई थी वो ये प्रॉब्लम थी, ये स्विच जो था पहले मैं इसको इंडिकेटर के लिए यूज़ करता था, अब आप देख सकते हो इसमें कुछ नहीं है, ये 100 पीस बन चुका है स्विच, तो ये कटिंग हो चुकी थी, इस वजह से मैंने इसको चेंज नहीं किया है, और इसको देखते हैं इन फ्यूचर शायद मैं कुछ इसका कर दूं। और अभी आप देख सकते हो एक नीचे भी स्विच है यहाँ पे, तो ये स्विच किस काम का है अगर आप देख पा रहे हो ये स्विच, हाँ अब फोकस आया, तो आप देख सकते हो ये स्विच, तो ये स्विच होने वाला है हमारे इंडिकेटर के लिए, जब चारों इंडिकेटर मेरे को ऑन करने होते हैं तो मैं उस स्विच को ऑन कर देता हूँ, और इस स्विच का अब कोई काम है ही नहीं। तो इस तरीके की कुछ निकल करके आई है लुक्स, ये बार एंड लाइट्स हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है, ये मैंने खुद ही इंस्टॉल की थी, और ये लाइट्स भी मैंने खुद ही इंस्टॉल की थी, आप मार्केट से इसको इंस्टॉल करवा सकते हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको 100 से 150 रुपये शायद एक लाइट के ले ले वो दोनों साइड की लाइट इंस्टॉल करके दे देगा, और बार एंड के उसके अलग चार्जेस हैं, तो मार्केट पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हो, किस तरीके से आपके बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। तो होप सो आपको वीडियो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अब मैं आपको लाइट्स दिखा देता हूँ, लाइट्स कौन सी थी और इसकी प्राइसिंग के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं। सो गाइज, ये लाइट्स होते हैं लाइट्स ऑफ आर्टिकल लैम्प, तो ये DRL टाइप के लाइट्स होते हैं, देखिए गाड़ी के, ये मेरी कार में भी इंस्टॉल है आपने देखी होगी, और इसको 1 साल हो चुका है, तो इस तरीके के कुछ स्ट्राइप्स होती है, आप इस तरीके का इसका बॉक्स देख सकते हैं, इसके अंदर ये लाइट्स आई थी,
और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इसका। और मैं तो सजेस्ट करता हूँ अगर आपको ये लाइट्स अच्छी लगी हो जो इसमें इंस्टॉल है, ऑन कर देता हूँ इसको एक मिनट। तो देखिए ऑन मैंने लाइट्स कर दी है और इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है ये आप देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे तो। और चलो अब इसके वीडियो को आगे कराते हैं और मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आपको दिखा देता हूँ क्योंकि सिनेमैटिक शॉट्स के बिना हमारी वीडियोज़ में जान नहीं आती, तो सिनेमैटिक शॉट्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ करते हैं सिनेमैटिक शॉट्स को स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। सो गाइज होप सो आपने सिनेमैटिक शॉट्स तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर लिए होंगे क्योंकि सिनेमैटिक शॉट्स में स्कूटी एक नंबर लगती है यार, मतलब मज़ा आ जाता है। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। पैसे जो इन्वेस्ट किए ना वसूल हो जाते हैं और मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं बताया तो इसकी प्राइसिंग के बारे में कि प्राइसिंग क्या रहने वाली है, तो इसकी जो प्राइसिंग थी वो मेरे को पड़ी थी 250 और 250 रुपीज़ में ये आप ले सकते हो करोलबाग मार्केट से। बट वो डिपेंड करता है कि आप ढूंढ सकते हो या नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा ढूंढा था जब जाके मुझे कम प्राइस में मिली, नहीं तो यही लाइट्स मैंने अपनी कार में 550 की इंस्टॉल कराई थी और देख लो कोई फ़र्क नहीं है, सेम लाइट्स है। तो पहले हो गया था बट अब मेरे को 250 में ही मिली, मैंने खुद से इंस्टॉलेशन की। और अब मैं आपको बताया था कि ये 12 इंच के वाले जो इसमें मैंने लाइट्स लगाई थी इसकी क्या कॉस्टिंग थी, तो इसकी कॉस्टिंग थी 120 रुपीज़। और 120 रुपीज़ में इसके 12 इंच वाले मैंने लाइट्स लगाई थी DRL, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे लग रहे थे। सो इससे पहले मैंने इसमें GT मिरर्स इंस्टॉल किए थे जो आपने देख सकते हो मेरी लास्ट वीडियोज़ में, और GT मिरर्स के बारे में मैंने आपको प्राइसिंग भी बताई थी कितने कॉस्ट करते हैं, बट वो स्कूटी के मतलब के थे नहीं क्योंकि वो मैंने जब नीचे की साइड से लगाए थे तो वो मेरी पैरों में टच कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जिससे मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था अगर मैं उसको लगा के रखता तो। इसीलिए मैंने GT मिरर्स को हटा दिया और उसके बाद मैं लेकर गया एंटोक के मिरर, और एंटोक के मिरर लगाने के बाद स्कूटी की लुक तो
मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इनहेंस हुई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई अपनी स्कूटी। मतलब मैं तो पहले भी नहीं बेचना सेल आउट नहीं करना चाहता था और अब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, और इन फ्यूचर देखते हैं आगे और भी कोई व्हीकल अगर हमारी फैमिली में ऐड ऑन हो जाएगा तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आएगी, और हो सकता है इस चैनल पे मैं आपको मोटर व्लॉगिंग भी देखने को मिले इन फ्यूचर। तो इसमें एक स्विच भी लगा था जो मैं इंस्टॉलेशन में ही आता है तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो वो स्विच भी आपको 30-50 रुपीज़ में मिल जाता है करोल बाग से, तो ऑलमोस्ट पूरी कॉस्टिंग मेरे को 400 रुपीज़ की पड़ गई थी, और 400 रुपीज़ में ये लाइट्स 12 इंच वाली लाइट्स DRL जो लाइट्स होती है, और ये लाइट्स जो मैंने यहाँ पे लगाई थी इंडिकेटर वाली DRL, तो ये सारी इसकी कॉस्टिंग पड़ जाती है 400 रुपीज़। और उसके बाद इंस्टॉलेशन के चार्जेस आप पे डिपेंड करते हैं कि आप खुद से इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन हुई थी, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि इस तरीके से आप इसको घर बैठे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ हम आगे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो होगी इसके अलॉय के ऊपर, अलॉयस में इसके पेंट कराना चाहता हूँ, और आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो वो भी कि किस कलर के अलॉय पेंट होने चाहिए। स्कूटी का कलर है एक बार देख लीजिए किस तरीके से स्कूटी लग रही है, और अब इसके हिसाब से अलॉय पेंट मैंने काफ़ी कॉमन कलर सोचा है बट उसके ऊपर कुछ एडिशनल कुछ सोचा है, तो कलर कॉमन होगा बट कुछ अच्छी चीज़ कराएंगे जिसकी वजह से ये स्कूटी की लुक और ज़्यादा अच्छी इनहेंस हो जाएगी। तो देखते हैं, होप सो आगे आप इसी तरीके से प्यार दिखाते रहे, वीडियोस लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहे तो हम भी आगे तक जाएंगे और इस चैनल को आगे तक ग्रोथ कर पाऊंगा मैं, और हो सकता है हम आगे भी इस चैनल पर काफ़ी सारी नई नई चीज़ें लेकर के आएँ। और इसे करते हैं वीडियो का एंड, और अब मैंने आपको कोस्टिंग वगैरह सब चीज़ बता दिया, कमेंट करना है आपको, बताना है और वीडियो को लाइक करना है और सारी चीज़ बतानी है कि किस तरीके से होनी चाहिए। तो इसके क्या करते हैं वीडियो का एंड, और आगे के टॉपिक्स आप भी सजेस्ट कर सकते हो मुझे, आप क्या चीज़ देखना चाहते हो। और अभी तक मैंने इसकी शायद सीट कवर के बारे में और इसकी जो सीट के बारे में मैंने इंस्टॉलेशन करी थी उसके बारे में बताया नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको भी ऐड ऑन कर देंगे क्योंकि ये वीडियो मैं शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है। तो इसे करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और किसी नए कंटेंट के साथ। तो इसी अगर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक, और कमेंट करना भूलना नहीं है, कमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है यार, बिना कमेंट के कंटेंट समझ नहीं आता कि क्या आप लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग ही नहीं देखोगे तो मेरा वीडियो बनाना तो वेस्ट हो जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अलॉय पेंट कराता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। टाटा।